हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं जी गुरु जी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आपकी सिम कार्ड के बारे में। एक से अधिक सिम कार्ड चलाते हैं या एक से अधिक सिम कार्ड आपने लिया है तो सरकार आप पे नज़र रखेगी। अब कोई भी सिम बिना आईडी प्रूफ के, बिना ऑनलाइन वेरिफिकेशन से नहीं निकाल पाएगा, और कौन आदमी कितना सिम चला रहा है वो सब ऑनलाइन पोर्टल पे दिखाया जाएगा। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और 62,000 डीलरों का ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जो सिम बेचते थे, और कई सारे लाखों लोगों का सिम बंद कर, करोड़ों लोगों का सिम बंद कर दिया है। तो ये किस लिए किया कि सरकार ने कहा कि अब एक आदमी 4 से अधिक की सिम नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। चार सिम से अधिक नहीं निकाल सकता। पहले नियम था कि आप एक आईडी पे 9 सिम तक निकाल सकते हैं, 10-12 सिम तो चाहिए तक निकाल सकते थे। कंपनी वाले अपना रूल बना के आलू नहीं करवाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जितने फर्जी कार्ड आते थे, साइबर क्राइम के थे, आपको जैसे लोन देने के लिए ओलेक्स को जैसे फ्रॉड होता है उसके लिए, तो मैं आर्मी का बंदा बोल रहा हूँ उसके, जैसे इंडिया मार्केट फ्रॉड होता है, आपको जॉब देने के लिए होता है, आपको नौकरी देने के लिए, या आपको पैसा देने, इस तरह सारे फ्रॉड कॉल, बैंक के सारे फ्रॉड कॉल आते थे। इस तरह साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अगर एक आदमी 4 से अधिक सिम कार्ड यूज़ करता है तो उसके सारे बाकी जो सिम निकाले उसके नाम से सब बंद हो जाएगा, नहीं तो उसका वेरिफिकेशन दीजिए ऑनलाइन तो वो सिम सारे बंद हो जाएगा। ये फैसला इसलिए सरकार ने लिया है क्योंकि व्हाट्सएप ने भी कंप्लेन किया कि बहुत से सिम फर्जी चल रहे हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के कई सारे व्हाट्सएप बंद कर चुके हैं, ट्विटर बंद कर चुके हैं। इस तरह कई सारे कंप्लेन आ रही थी कि लोग फर्जी अपने नाम से सिम लेते हैं, फालतू फालतू काम करते हैं और उसके बाद लोग फ्रॉड का, साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने नियम निकाला है कि अब मात्र 4 सिम ही निकाल सकता है कोई भी आदमी, उससे भी नहीं। पहले 9 सिम था मगर कंपनियाँ 50-50 एक आईडी पे दे देती थी, बाकी सब बंद हो जाएगा। एक आईडी आदमी का सिर्फ 4 सिम चलेगा, वो भी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही, और अगर उसमें भी कोई कमी बेची जाएगा तो वो भी सिम बंद हो जाएगा। इसका मतलब आप साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत बड़ा फैसला किया गया है। अब कोई कैसे साइबर क्राइम करेगा, फर्जी कॉल करेगा, पैसा मांगेगा, लोन देगा, उसकी ओलेक्स की, इस सारे सब फर्जी काम होते थे, और इसलिए अब फर्जी काम पे 50% तक लगाम लग जाएगा। आपको कैसा लगता है कि साइबर क्राइम इसे रुकेगा कि नहीं, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये सरकार का नियम अच्छा लगा कि नहीं लगा इसके बारे में बताइए। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा, ख़राब लगा, लाइक से सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं और भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए रुक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।